दोस्तों, आपका जय केमिस्ट्री चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप 17 देखने वाले हैं, जिसको हैलोजन्स के नाम से जाना जाता है। इससे पहले कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है ना। तो देखिए, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम लोग ग्रुप 17 देखने जा रहे हैं। आपको ये पता है कि हम लोग ग्रुप 15 और 16 इसको अच्छा से कवर कर लिया सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। अब हम लोग देखने जा रहे हैं ग्रुप 17, जिसको हैलोजन्स के नाम से जाना जाता है। ग्रुप 17 में मेरे दोस्त फुलरीन क्लोरीन ब्रोमीन होता है, ठीक है ना। ग्रुप 17 में जो होते हैं एलिमेंट्स, वो होता है फुलरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, और ये होता है एस्टेटाइन, ठीक है ना। ये हालांकि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वे सब्सटेंस होते हैं जिनसे स्वतः अल्फा बीटा गामा किरण निकलती है, ठीक है ना, जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं छोड़ने के बाद, खत्म हो जाते हैं, उसी को रेडियो एक्टिव के नाम से जाना जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, इसको इस हैलोजन्स को हम लोग एक्स से सूचित करते हैं, एक्स से सूचित करते हैं। ये जो आपका फुलरीन है, ये सेकेंड पीरियड का होता है। किस पीरियड का होता है? सेकेंड पीरियड का एलिमेंट होता है। ये आपका क्लोरीन थर्ड पीरियड का होता है, ये आपका फोर्थ पीरियड का होता है, ये आपका फिफ्थ पीरियड का आयोडीन होता है, और ये आपका स्टेटाइन जो होता है ये सिक्स्थ पीरियड का एलिमेंट्स होता है। स्पष्ट ना। अब इसके देखते हैं कि कौन धातु है कौन अधातु है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक फुलरीन से आयोडीन, मतलब ये फुलरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये तीनों ही नॉन मेटल है। ये तीनों ही क्या है? नॉन मेटल है, माने अधातु है। और यही एस्टेटाइन जो है मेटलवाइड्स, मतलब उपधातु होता है, मेटलवाइड्स होता है। क्या होता है? मेटलवाइड्स होता है। इसके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो यदि फुलरीन का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो 9 1s2 2s2 और 2p9 है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5। तो ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे जैसे हम क्लोरीन का लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा थर्ड पीरियड है ना, 3s2 3p5। यदि आयोडीन का लास्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर 5 रख देंगे दो के जगह पर, तो 5s2 और 5p5 हो जाएगा। तो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास छोड़ू, NH2NP5 होता है। इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP5 होता है। इसको सामूहिक रूप से हैलोजन के नाम से जाना जाता है, या हैलोजन कहते हैं, क्योंकि यह धातु के साथ क्रिया करके लवण साल्ट का निर्माण करते हैं, बनाते हैं, ठीक है ना। हैलोजन का मतलब होता है साल्ट प्रोड्यूसर, जो साल्ट का निर्माण करे। और जितना भी हैलोजन है सब धातु से अभिक्रिया करेगा तो साल्ट का निर्माण करता है। स्पष्ट ना। चलिए सेकेंड पॉइंट को देखते हैं। इसका सामान्य विन्यास भी हम लोग देख लिए सेकेंड पॉइंट में। अब नेक्स्ट पॉइंट है हैलोजन अतिक्रियाशील होने के कारण। ये जो हैलोजन है बहुत ही क्रियाशील होता है, जिसके वजह से ये मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है, ये संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। तो इसी बात को लास्ट में मेंशन किया गया कि हैलोजन अति क्रियाशील होने के कारण प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, ये संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए फुलरीन है, तो फुलरीन आपका फ्लोरोस्पार, जिसका फॉर्मूला CaF2, इस रूप में पाया जाता है। यहां से हम लोग फुलरीन को क्या करते हैं? निष्कासित करते हैं, निष्कर्षण करते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही क्रायोलाइट NaFAlF6, जहां से हम लोग फुलरीन को निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए क्लोरीन के लिए NaCl, जिसको रॉक साल्ट के नाम से जाना जाता है, कार्नालाइट KClNgCl2 6H2, इससे हम लोग क्लोरीन को निकाल सकते हैं। वैसे ही ब्रोमीन है KBrNgBr2 6H2, जिसको ब्रोमो कार्नालाइट कहा जाता है, ब्रोमो कार्नालाइट। नेक्स्ट है आयोडीन, चिली साल्ट पीटर में 0.2% आयोडीन होता है। आई होप कि इसको आप समझे होंगे, ये बेसिक आइडिया पहले से भी हम लोग जानते थे, हालांकि हम लोग 12th में ग्रुप 17 देख रहे हैं तो फिर ये जानना एकदम कंपल्सरी है। तो आप इसको नोट डाउन कर लें। तो बच्चों, यहां पर अब सवाल उठता है कि जो आपका हैलोजन परिवार के एलिमेंट्स है फुलरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इसका फिजिकल स्टेट क्या होता है? दोस्तों ध्यान देना, फुलरीन और क्लोरीन ये गैस अवस्थाएं पाए जाते हैं, F2Cl2 गैस अवस्थाएं पाए जाते हैं, लेकिन वहीं पर ब्रोमीन Br2 के रूप में लिक्विड अवस्थाएं पाए जाते हैं और आयोडीन सॉलिड। मतलब यह एक ऐसा ग्रुप है जिसमें गैस ठोस द्रव तीनों ही प्रेजेंट होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर रोचक बात,
कि पूरे पीरियोडिक टेबल में जितना भी ज्ञात आपका तत्व है, एकमात्र ब्रोमीन अधातु है जो लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। मात्र एक ही ये अधातु है जो लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, बाकी कोई भी अधातु लिक्विड अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। उसी बात को यहाँ पर हमने नोट में मेंशन कर दिया है कि ब्रोमीन इज ओनली नॉन मेटल, ब्रोमीन केवल मात्र अधातु है जो लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। तो ब्रोमीन इज ओनली नॉन मेटल लिक्विड इन पीटी, माने पीरियोडिक टेबल, माने पीरियोडिक टेबल में ब्रोमीन मात्र एक लिक्विड अधातु है, एक द्रव अधातु है। इनके अलावा जितना भी अधातु आएंगे सब के सब क्या होता है, गैस हो सकता है आपका, ठीक है ना, ठोस हो सकता है, लेकिन मात्र एक ऐसा एलिमेंट्स अधातु जो लिक्विड होता है वह होता है ब्रोमीन। अब सवाल उठता है, सर ऐसे ना बता दीजिए आप कि पूरे ज्ञात तत्वों में लिक्विड एलिमेंट्स कितने हैं। तो पूरे ज्ञात तत्वों में लिक्विड एलिमेंट्स मेरे दोस्त 6 हैं। हाँ, मात्र 6 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो लिक्विड फेज में पाए जाते हैं। अब वह डिपेंड करता है उसका लिक्विड फेज, उसके टेम्परेचर पर। यदि 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाता है तो वह सॉलिड में हो जाएगा, उससे ऊपर जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएगा तो वह मेरे दोस्त किस अवस्था में हो जाएगा, द्रव अवस्था में, लिक्विड अवस्था में हो जाएगा। देखिए मैं बात को मेंशन किया हूं, क्वेश्चन आपसे कहा जा सकता है हाउ मेनी लिक्विड एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल, मतलब पीरियोडिक टेबल में कुल कितने लिक्विड तत्व हैं, द्रव तत्व हैं। तो आपका जवाब क्या आएगा, टोटल 6 एलिमेंट्स आर लिक्विड इन पीरियोडिक टेबल, मतलब पीरियोडिक टेबल में कुल 6 द्रव तत्व हैं। स्पष्ट, कौन कौन है भाई बता तो दीजिए, ब्रोमीन और पारा HG जिसको मर्क्यूरी के नाम से जाना जाता है। ये कब लिक्विड होगा, ये दोनों जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, माने 22 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो ये दोनों लिक्विड अवस्था में पाया जाएगा, ध्यान रहे। वही चीज रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, गैलियम, ये चारों एलिमेंट्स मेरे दोस्त 25 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री सेल्सियस तक इतना टेम्परेचर रहेगा तो ये लिक्विड फेज में पाए जाएंगे। अब यहां पर हम चर्चा करेंगे दोस्त, अब यहां पर हम चर्चा करने वाले हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज की। ये फिजिकल स्टेट आप समझ गए, इसका शॉर्ट डिस्कशन ले सकते हो। देखिए मैं यहां पर देख रहा हूं कि आप फिजिकल प्रॉपर्टीज ध्यान दीजिएगा, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज को देख रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण हिंदी होगा, क्या होगा, भौतिक गुण, ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, फुलरीन, कोलरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। यदि इस ग्रुप में, ग्रुप 17 में, वर्ग में नीचे से ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो ध्यान रहे मेरे दोस्त इसका साइज बढ़ता है, इसका एटॉमिक साइज बढ़ता है। क्या होता है एटॉमिक साइज, आपको पता है, मान लीजिए फुलरीन का साइज इतना बड़ा है तो नीचे आएंगे तो कोलरीन बढ़ जाएगा, ब्रोमीन भी बढ़ जाएगा ड्यू टू इंक्रीजमेंट इन नंबर ऑफ सेल, क्योंकि नंबर ऑफ सेल की संख्या बढ़ती है, यहां पर ये साइज लगातार बढ़ता है, माने टॉप टू बॉटम, ठीक है ना, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, ये एरो के निशान ऊपर मतलब बढ़ रहा है। लेकिन वही चीज तुमसे कह रहे कि सर जी टॉप टू बॉटम माने ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम, यहां पर क्या आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बताइए, आयनाइजेशन एनर्जी, बहुत साइज बढ़ता है मेरे दोस्त, एटॉमिक साइज बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी घटता है, आयनाइजेशन एनर्जी घटेगा, क्यों, बिकॉज साइज इन इंक्रीजमेंट देन आयनाइजेशन एनर्जी विल बी डिक्रीजेस साइज। ये सब चीज हम लोग डिस्कस किए, हर एक ग्रुप में ये पढ़ना है और हर एक ग्रुप का ये सेम ऑर्डर होता है। चलिए हम आपसे कह दें कि हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं इस पीरियोडिक टेबल में, इस ग्रुप में टॉप टू बॉटम आ रहे हैं दोस्त, टॉप टू बॉटम आ रहे हैं। तो आप बताइए इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता भी क्या होती है, घटती है, विद्युत ऋणात्मकता भी क्या होती है, घटती है। अब बड़ा ही शानदार, इसके बाद फिजिकल जो प्रॉपर्टीज है इतना यूनिक है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, वह है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, या उसी को इलेक्ट्रॉन बंधुता के नाम से जाना जाता है, इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में दोनों में अंतर है, ठीक है ना, ये हम लोग 11th में बहुत अच्छे से डिटेल्स डीपली और पढ़े हैं। यहां पर केवल
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और उससे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट कर दीजिए। तो बच्चों हम लोग बड़ा ही इंपॉर्टेंट देखने जा रहे हैं इस ग्रुप में, इलेक्ट्रॉन बंधुता और इलेक्ट्रॉन बंधुता से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब्जेक्टिव। ठीक है ना, देखिए क्या है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बंधुता को समझते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है, मान लीजिए हमारे पास कोई एटम है, ठीक है ना। आपको पता है कि एटम में न्यूक्लियस होता है और ये जो वृत्ताकार पद दिखाई दे रहा है ये ऑर्बिट होता है, जिनके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आप ध्यान देंगे जरा, किसी बाहरी इलेक्ट्रॉन्स को, ये आपका एटम है, पिक्टोरियल डायग्राम ऑफ एटम, और ये बाहरी इलेक्ट्रॉन है। इस बाहरी इलेक्ट्रॉन को इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, इसको आउटर मोस्ट ऑर्बिट कहते हैं, बाह्यतम कक्ष, इसमें इस इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है। अब इसको जोड़ने के लिए हमको एनर्जी देना पड़ेगा, तो इसको जोड़ने के लिए जितनी एनर्जी हम अप्लाई करते हैं उसी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से जाना जाता है, उसी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा जाता है। ठीक है ना, उसी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा जाता है। कोई कहे इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है, तो कहिएगा किसी गैसियस एटम के बाहरी कक्ष में अन्य इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए, एड करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा जाता है। ठीक है ना, बेसिकली हम लोग पाता है कि ध्यान दीजिएगा पॉजिटिव और ये निगेटिव बीच आकर्षण होगा और ये इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये भी निगेटिव, तो यहां पर ये है जो पॉजिटिव और यहां पर ई चाहेगा इनको खींचने के लिए। ठीक है ना, ध्यान रहे यदि इसका साइज छोटा रहे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहे तो फिर इसको नहीं चाहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन झगड़ा करेगा, इसको रिपल्सन करेगा, क्योंकि इस पर पी निगेटिव और इस पर भी निगेटिव। इसलिए चलिए कारण को समझते हैं, ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आप समझ गए हैं। सामान्यतः वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटती है, जाहिर सी बात है किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घट जाती है। लेकिन ध्यान देने वाला बात यह है कि इसका ऑर्डर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होता है, होना चाहिए फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऑर्डर गलत माना जाता है। माने यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्लोरीन से अधिक होता है क्यों। जनरली हम लोग जानते हैं कि ऊपर से नीचे आते हैं तो लगातार इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर क्यों इसका ज्यादा है इसका कम है, यही ना है, ध्यान दीजिएगा यहाँ। तो यहाँ पर लिखे सामान्यतः वर्ग में नीचे से ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटती है, बट थर्ड पीरियड आपको पता है कि ये सेकेंड पीरियड का है, ये आपका थर्ड पीरियड का है, थर्ड पीरियड एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ईए माने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकेंड पीरियड एलिमेंट से अधिक होता है, क्योंकि सेकेंड पीरियड एलिमेंट का साइज थर्ड पीरियड एलिमेंट की तुलना में छोटा होता है, फलतः आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिपल्सन फील करता है, जिसकी वजह से उधर इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नहीं जोड़ा पाता। अब इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं कि आखिर लॉजिक क्या है सर जी, इसका आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, ठीक है ना, इसका आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। क्वेश्चन है, अब यहाँ पर संदर्भ सब्जेक्टिव क्वेश्चन जनरेट होता है कि सर जी आप तो बोले कि ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान लगातार बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं सेकेंड पीरियड से थर्ड पीरियड आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थर्ड पीरियड वाला का कम होना चाहिए, सेकेंड पीरियड वाला का ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहे हैं। लेकिन बिल्कुल ऐसा गलत है, हम कह दिए यहाँ पर बट लेकिन लगा करके बोल दिए कि थर्ड पीरियड एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान सेकेंड पीरियड एलिमेंट से अधिक होता है। सब में ये होता है, ऑक्सीजन फैमिली में भी, ओरिजिनल स्टाइल जब हम पढ़ाए थे तो बताए थे, इसका डिटेल्स हम ग्रुप 17 पढ़ेंगे तो वहां पर हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन खूब शानदार पूछा जाता है कि क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान फ्लोरीन से अधिक होता है क्यों। तो सबसे पहले इसका बेसिक कंसेप्ट सीखते हैं हम लोग, इसको आप नोट कर सकते हैं, सॉरी। तो इसका शॉर्ट स्क्रीन आप ले सकते हो, हम एक्सप्लेनेशन करेंगे कि क्यों ऐसा होता है, ध्यान दीजिएगा। फ्लोरीन और ये है क्लोरीन, फ्लोरीन 9 और क्लोरीन 17, यदि इसका विन्यास लिखते हैं तो 2 8 2 7 होगा, सॉरी 2 7, ठीक है ना।
ऑर्बिट वाइज कॉन्फ़िगरेशन निकलेंगे, इसका कॉन्फ़िगरेशन निकलेंगे तो 287। आपको पता है मेरे दोस्त इसमें दो ऑर्बिट है, माने इसका बनाए हम पिक्चोरियल डायग्राम तो ये होगा, ठीक है दोस्त, इसका पिक्चोरियल डायग्राम बनाएंगे। देखो इसमें एक दो ऑर्बिट है ना, तो इसमें ऑर्बिट ये तो न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट नंबर एक, ये ऑर्बिट नंबर दो, इसमें ऑर्बिट कितना है, एक दो तीन है। तो चलो भाई बनाओ, एक दो और ये वाला तीन। अच्छा वायलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, यही ना वायलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है, यही वायलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है, इसके लास्ट ऑर्बिट में तो सात इलेक्ट्रॉन है, तो सात इलेक्ट्रॉन को भर दीजिए, एक दो तीन चार पांच छह और इधर कर दीजिए आप सात। चलिए इसमें भी सात इलेक्ट्रॉन है वायलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसमें भी सात इलेक्ट्रॉन को भरिए, एक दो तीन चार पांच छह सात। चलो अब बताते हैं हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कंसेप्ट हम लोग समझ रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास बाहरी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, यहां से डिस्टेंस एक्स है और यहां से भी डिस्टेंस एक्स है, मतलब ये डिस्टेंस और ये दोनों परमाणु का डिस्टेंस यहां से क्या है, सेम है। अब कौन जल्दी से एटिक्ट कर लेगा, कौन जल्दी से इसको आसानी से अपने तरफ खींच लेगा, इस इलेक्ट्रॉन को इसमें आसानी से जुड़ जाएगा। आपके दिमाग में ये चलता होगा कि सर यहां पर हम लोग देख रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा है, क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है, तो इसके पास स्पेस कम है, ये बेचारे e माइनस जाएगा तो e माइनस यहां है, आप लोगों को पता है माइनस माइनस के बीच विकर्षण होता है, एक दूसरे को ढक लेगा, आपको पता है क्या, तो बताइए ये इलेक्ट्रॉन तो चाहेगा जाने के लिए इधर, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, जगह है ही नहीं, बहुत कम जगह है, तो इसको ये एडजस्ट कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा, यहां पर रिपल्सर, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जितना भी इलेक्ट्रॉन है ये तो पहले ही से विकर्षण महसूस कर रहे हैं, तो क्या इसको ला करके और गजन करवाएगा, बिल्कुल नहीं, इसलिए इसमें एड करना डिफिकल्ट है, इसमें जोड़ना, इसमें सटाना, ले जाकर के रखना एकदम डिफिकल्ट होता है। लेकिन इसमें देखिए जरा, इसमें सात ही इलेक्ट्रॉन है लेकिन इसमें स्पेस काफी ज्यादा है, इसमें स्पेस काफी ज्यादा है, तो ये आराम से जाके इसमें एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही मान लीजिए एक 15x15 का रूम है, एक है इसको मान लीजिए 15x15 का रूम है और एक है 25x25 का रूम, हमको 10 आदमी को एडजस्ट करना है, तो दोनों रूम में 15x15 में 10 आदमी एडजस्ट हो गए हैं, 25x25 में भी 10 आदमी को एडजस्ट कर दिए हैं, लेकिन एक और आदमी आ गए, ठीक है ना, उनको एडजस्ट करना है, तो बताइए आप किसमें चाहिएगा एडजस्ट करने के लिए, किसमें आसान है एडजस्ट करना, 15x15 वाला रूम में कि 25x25 वाला रूम में, बिल्कुल आपका जवाब आएगा सर बड़ा हॉल है तो उसी में हम एडजस्ट कर देंगे आसानी से, कोई परेशानी उनको नहीं होगा, लेकिन वही 15x15 में वो भी सोचेंगे कि हम नहीं जाएंगे उसमें क्योंकि संख्या ज्यादा है, ठीक है ना, और 25x25 वाला में संख्या उतना ही है, उसमें भी 10 उसमें भी 10 लेकिन उसमें स्पेस काफी ज्यादा, तो आसानी से उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। आई होप कि बहुत शानदार तरीके से आप समझे होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो वही कारण है दोस्त, कहता है कि क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन बंधुकता का मान फ्लोरीन से ज्यादा होता है, क्यों, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है या आपसे पूछा जा सकता है, जा सकता है इस तरह के क्वेश्चन कि हम जानते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटता है, लेकिन थर्ड पीरियड एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान सेकेंड पीरियड से कम होता है क्यों, सॉरी ज्यादा होता है क्यों, तो हमने जो यहाँ स्टेटमेंट लिखा है उसी स्टेटमेंट को ले जाकर के छाप देना है, इसको आप नोट कर सकते हो इस कॉन्सेप्ट को, इलेक्ट्रॉन बंधुता यहां पर फ्लोरीन का ज्यादा होगा फ्लोरीन से, ठीक है ना, क्योंकि आसानी से क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को एड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो कोई कहे क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान फ्लोरीन से अधिक होता है क्यों, तो कहिएगा हम जानते हैं कि फ्लोरीन 2p और क्लोरीन 3p ऑर्बिटल रखता है, ठीक है ना, हम जानते हैं कि 2p का साइज 3p के अपेक्षा काफी छोटा होता है, छोटा 2p का साइज छोटा होने के कारण उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बाहरी इलेक्ट्रॉन को जोड़ना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच विकर्षण ज्यादा होता है, अतः मतलब इसलिए फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम होता है या क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से ज्यादा होता है। आई होप कि कॉन्सेप्ट समझे हैं, इसको आप नोट करेंगे, हम यहाँ पर क्वेश्चन लिख करके उसका सोल्यूशन आंसर कर देंगे या
ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सल्फर के इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान ऑक्सीजन से ज्यादा होता है क्यों, ये दोनों ही बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपसे फिर उसी को चेंज करके पूछ देगा कि सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कार्बन से ज्यादा होता है क्यों। स्पष्ट में इसको नोट करिए, हम क्वेश्चन बना करके सोल्यूशन कर देते हैं। तो बहुमेरे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन है क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान फुलरीन से अधिक होता है क्यों। तो वही जो हमने समझाया आपको, वही चीज हमने बताया कि यहाँ पर विन्यास इसका आउटर मोस्ट विन्यास 2s2 2p5, यहाँ 2s2 3s2 3p5, माने वायलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 7 है। वायलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 7 है, इसका साइज इतना बड़ा था और इसका साइज थोड़ा बड़ा था, ठीक है ना। यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो इसमें एड डिफिकल्टी से होगा, इसमें एकदम आसानी से हो जाएगा क्योंकि इसका साइज बड़ा है और आसानी से ये एडजस्ट हो जाएगा। उसी बात को हमने लिखा है कि फुलरीन में 2p ऑर्बिटल तथा क्लोरीन में 3p ऑर्बिटल उपस्थित होते हैं। हम जानते हैं कि 2p का साइज 3p के अपेक्षा छोटा होता है, अर्थात 2p में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जब छोटा जब छोटा साइज है, रूम छोटा है, तो आदमी आदमी के बीच का होगा विकर्षण होगा, दूरी बनाने में दिक्कत होगा। तो वही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच विकर्षण अत्यधिक होने के कारण ये बाहरी इलेक्ट्रॉन को आसानी से अपनी ओर या तरफ आकर्षित नहीं कर पाता है, इसलिए फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्लोरीन से क्या होता है कम होता है, या क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा होता है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है कि सल्फर के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान ऑक्सीजन से अत्यधिक होता है क्यों, ठीक है ना। तो एकदम सेम ऐसे ही करना है, ये एकदम स्टेटमेंट छाप देना है, केवल फ्लोरीन के जगह पर ऑक्सीजन और क्लोरीन के जगह पर क्या सल्फर। वैसे ही सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कार्बन से अत्यधिक होता है क्यों, तो इसमें फ्लोरीन के जगह पर कार्बन और क्लोरीन के जगह पर सिलिकॉन। आई होप कि आप इसको आसानी से आप लिख लीजिएगा, अच्छा से समझ रहे होंगे। इसके आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज बाउंड लेंथ को देखते हैं, ठीक है, नोट करिए इसको। तो बच्चों अब हम लोग देख रहे हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड की मजबूती या आप बोल सकते हैं बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड की ऊर्जा। बेसिकली हम लोग वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं ना, तो इसके बीच ये F2Cl2Br2I2 है ना, ये फुलिन फुलिन के बीच सिंगल बॉन्ड, क्लोरीन के बीच सिंगल बॉन्ड, ब्रोमीन आयोडीन के बीच, जैसे आएंगे तो साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ लगातार बढ़ते जाएगा। बॉन्ड लेंथ क्या होगा, लगातार बढ़ते जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड एनर्जी, ध्यान दीजिएगा, सामान्यतः तो ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ता है, जब साइज बढ़ेगा तो इसका बंधन लंबाई भी बढ़ेगा, ओवरलैपिंग कम होता है, आपको पता है वर्ग ऊपर से नीचे आते हैं तो ओवरलैपिंग जो बॉन्ड की मजबूती होती है वह कमजोर होते जाता है, इसलिए बॉन्ड वीकर होता है, कमजोर होता है। तो यहां पर बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी का जो ऑर्डर होता है ये होता है सबसे ज्यादा Cl2 का, तब Br2 का, तब F2 का, तब I2 का, ये मस्ट बी रिमेम्बर्ड, याद होना चाहिए। बेसिकली ऊपर से नीचे आते हैं तो यहाँ पर ये क्या होता है, कमजोर होना चाहिए, बॉन्ड एनर्जी कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो ये क्लोरीन और ब्रोमीन का जो बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड की मजबूती है, वह फ्लोरीन से भी ज्यादा है। क्यों, क्योंकि इसका तो साइज छोटा है, जब इसका साइज छोटा है तो बाबू यहाँ पर फुलरीन जो है इसका साइज छोटा है, तो इसके बीच भी में जो होगा रिपल्सन होगा, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को ढक लेगा तो बॉन्ड टूट जाएगा। वैसे ही नीचे आते हैं तो ये क्लोरीन है, थोड़ा सा डिस्टेंस इसमें कंफर्टेबल होता है, इसमें और डिस्टेंस बढ़ जाता है, तो यहाँ पर ध्यान रहे यहाँ पर इस दोनों में क्लोरीन एकदम स्टेबल होता है, इसलिए क्लोरीन का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, देन ब्रोमीन, तब फुलरीन, तब आयोडीन। ये मस्ट बी रिमेम्बर्ड, एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फ्लोइंग हैज हाई बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ, दोनों में कुछ पूछ सकते कि निम्न में किसका बॉन्ड बंधन ऊर्जा ज्यादा है या बंध की प्रबलता मजबूती ज्यादा है, तो ये आपको मस्ट बी रिमेम्बर्ड, याद होना चाहिए। चलिए इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, हम इसको नोट करें आप। तो यहां पर बाबू मेरे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्वांथनांक एंड द्रव्यमान को देख रहे हैं। देखिए F2Cl2Br2I2 वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं
तो बाबू वेट बढ़ता है, द्रव्यमान बढ़ता है। F2 का द्रव्यमान की बात करें तो यहाँ पर 38 होगा, F2 का एक फ्लोरीन का द्रव्यमान 19 होता है, तो 2 का 38 के आसपास होगा, और Cl2 का द्रव्यमान एक क्लोरीन का द्रव्यमान 35.5, तो 2 क्लोरीन है तो 1 होता। तो जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे तो द्रव्यमान बढ़ेगा, और द्रव्यमान जैसे बढ़ेगा तो उसके बीच वांडर वाल फोर्स बढ़ेगा, और जब वांडर वाल फोर्स बढ़ता है मेरे दोस्त, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का मान सदैव बढ़ता है, हमेशा बढ़ता है। तो यहाँ पर लिखे हैं टॉप टू बॉटम, माने ऊपर से नीचे आने पर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली वांडर वाल फोर्स होता है, मतलब वांडर वाल फोर्स बढ़ेगा माने मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा आपका बढ़ेगा, ये ध्यान रहे। ऐसे ही हम लोग किसी भी ग्रुप में ये अप्लाई करेंगे तो एकदम सेम होगा, ठीक है ना, एकदम सेम होगा, द्रव्यमान बढ़ेगा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का मान भी बढ़ेगा। चलिए आज का क्लास यहीं तक रुकते हैं, इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे तो इस पर कुछ आधारित क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ या कंपाउंड्स ऑफ हैलोजन्स की तरफ पढ़ेंगे। चलिए इसी के साथ क्लास को ओवर करते हैं, धन्यवाद।